हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एस सी हीरोज़। और आखिरकार हम आ गए हैं एक्ट वन सीन टू लेके टेम्पेस्ट का। और ये बहुत बड़ा सीन है, इनफैक्ट सबसे बड़ा सीन है, पूरे 500 लाइन्स है। इंपॉर्टेंट सीन भी है ये। इसमें ऑडियंस प्रॉस्पेरो और मिरांडा के बारे में जानता है, ऑडियंस को पता चलता है प्रॉस्पेरो, मिरांडा और एरियल के बारे में, और टेम्पेस्ट क्यों रोज करा तो देखते हैं क्या है। इसमें मिरांडा है अपने फादर प्रॉस्पेरो से कहती है, इफ बाय योर आर्ट माय डियरेस्ट फादर यू हैव पुट द वाइल्ड वाटर्स इन दिस रोर अलाउ देम। माय फादर, अगर आपने मैजिक से, अपने मैजिकल पावर से इन वाइल्ड वाटर्स को, इस समुद्र में लहरें उठा दी और इतना गजब का तूफान ला दिया, तो प्लीज़ उन्हें रोक दो। द स्काई इट सीम्स वुड पाउडर स्टिंकिंग पिच, बट एट द सी माउंटिंग टू द बेल्कन चीक डैशेस द फायर आउट। और कहती है कि जो स्काई है, ये जो बादल है, ऐसे इतने काले काले हैं, क्योंकि स्टॉमी वेदर था, इतना काला काला है, ऐसा लगता है कि कोलता रहा है, गरम गरम कोलता रहा है, और ऐसा लगता है ये सारा कोलता नीचे फेंक देगा जब तक जो समुद्र है वो उतना ऊँचा लहरें ना उठा दे, उतने ऊपर ऊपर ना भाग जाए जो कि उसकी फायर को, उसकी आग को बुझा दे। ऐसा लगता है कि ये सारा पानी नीचे गिरा देगा, सारी बारिश कर देगा, पूरा कोलता जो उस काला काला जैसा लग रहा है वो गिरा देगा। वो आई हैव सफर्ड विद दोज दैट आई सॉ सफर। और कह रही है कि मुझे भी उनसे देख कर सफरिंग हो रही है जिन्हें मैं सफ़र होते हुए देख रही हूँ, मतलब उन्हें दुखी देखकर मुझे दुख हो रहा है, जो कि जिन्हें मैं देख रही हूँ, जो कि देखिए नोबल पीपल थे शिप पे, और टेम्पेस्ट रेज हुआ था और शिपरैक होने वाला था। तो वो कहती है कि जिन्हें मैं सफ़र करते देख रही हूँ, उन्हें सफ़र करते देख कर मुझे सफरिंग हो रही है। ए ब्रेव वेसल हु हैड नो डाउट सम नोबल क्रिएचर इन हर डैश्ड ऑल टू पीसेस। और वो कहती है ये ब्रेव वेसल बहुत ही बड़ी शिप, ये महान शिप जिसमें मुझे पक्का पता है कि कुछ नोबल क्रिएचर्स थे, कुछ अच्छे आदमी थे, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई है, टूट गई है। ओ द क्राई डिड नॉक अगेंस्ट माई एवरी हार्ट, और उनकी चीख से मेरे दिल, मेरे हार्ट को दुखी पहुँचाए। पुअर सॉल्स दे पेरिश, हैड आई बीन एनी गॉड ऑफ पावर आई वुड हैव संक द सी विद विद इन द अर्थ और एयर, इट शुड द गॉड शिप सो हैव स्वॉलोड एंड द फ्लोटिंग सॉल्स विद इन अर्थ। और वो कहती है पुअर सॉल्स, ये बेचारे लोग, ये सब ख़त्म हो गए, ये सब डूब गए हैं। अगर मैं कोई भगवान होती तो मैं अपने पावर से इस समुद्र को पृथ्वी पे, अर्थ पे डुबा देती, इससे पहले कि वो इन अच्छे लोगों को डुबा सकता समुद्र में और उन लोग को डरा सकता। प्रॉस्पेरो बी कलेक्टेड नो मोर अमेजमेंट, टेल योर पिटियस हार्ट देयर्स नो हार्म डन। प्रॉस्पेरो कहता है डरो मत, हैरान मत हो, नो मोर अमेजमेंट, वंडर मत हो, अपने दिल को समझाओ कि यहाँ पर कोई आम नहीं हुआ है, ये सब तुम्हारे लिए ही करा था मैंने, कोई उन लोगों को कोई आम नहीं पहुँचा है। मिरांडा कहती ओ वो दर्ड, मिरांडा कहती है ये बहुत ही विचित्र दिन है, बहुत ही बुरा दिन है। प्रॉस्पेरो कहता है नो हार्म आई हैव डन नथिंग बट इन केयर ऑफ दी माई डियर वन, दी माई डियर, दू आर इग्नोरेंट ऑफ वॉट दू आर्ट। कहता है कुछ इन्हें तकलीफ नहीं हुई, इन लोग को कुछ नहीं पहुँचाया, हम कोई पहाम नहीं पहुँचाया, जो भी मैंने किया ये सब तुम्हारे लिए करा है, हाँ मेरी डॉटर तुम्हारे लिए करा है, क्योंकि तुम नहीं जानती कि तुम कौन हो, तुम सच में नहीं जानती कि तुम कौन हो। नॉट नोइंग ऑफ वेंस आई एम, नॉट दैट आई एम मोर देन दैट प्रॉस्पेरो, मास्टर ऑफ ए फुल पुअर सेल एंड आई नो ग्रेटर फादर। और वो कहता है कि तुम ये भी नहीं जानती कि हम लोग असली में क्या आया, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं एक प्रॉस्पेरो से भी कुछ ऊपर, एकमात्र सिंपल प्रॉस्पेरो नहीं हूँ, और भी मास्टर ऑफ ए पुअर फुल सेल भी नहीं, एक छोटे से घर का मालिक भी नहीं हूँ, मैं उससे भी कुछ ऊपर हूँ, तुम अभी इसके बारे में नहीं जानती हो। फिर मिरांडा कहती है मोर टू नो डिड नेवर मेडल विद माई थॉट्स, और मिरांडा कहती है और ज़्यादा जानना तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं, मेरे इसका ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, मैं इसके बारे में जानूँ। प्रॉस्पेरो कहता है दिस टाइम इट शुड इन्फॉर्म दी लेटर लैंड आई हैंड एंड प्लक माई मैजिक गारमेंट फॉर्म। और प्रॉस्पेरो कहता है यही समय है, यही सही समय है तुम्हें बताने का, मुझे अपना हाथ दो और मदद करो मेरी अपने मैजिकल गारमेंट को उतारने में। फिर मिरांडा अपना हाथ देती है और उसका कपड़ा उतारती है, उसकी हेल्प करती है मैजिकल गारमेंट को निकालने में। वो कहता है सो लाइट देयर माई आर्ट वाई दाइन आइज हैव कम्फर्ट, द
The dreadful spectacle of the wreck which touched the very virtue of compassion in the I have with such provision in my heart so safely ordered that there is not so much pollution and hair with it to any creature in the vessel. वो कहता है यहाँ बैठो और अपने अपने आँखों को आंसुओं को पोछो अपने आँखों को वाइप करो अपने आंसुओं को पोछो और हैव कंफर्ट आराम से बैठो कोई डरने की बात नहीं है जो तुम देख रही थी ये शिपरेक का शिपरेक जो देख रही थी जिसकी वजह से तुम्हारे दिल में दया की भावना उठी तो ये मैंने करा था ये मेरी आर्ट की वजह से आया हुआ है और मैंने ऑर्डर दिया था अपनी सॉल्स को कि एक भी किसी भी आदमी की एक हेयर का भी नुकसान ना हो जाए किसी का बाल भी बाका ना हो बट इट टू एनी क्रिएचर इन द वेसल और शिप पर किसी भी आदमी का कुछ ना हो विच दाउ हर्स्ट क्राई विच दाउ सॉ थिंग्स सिट डाउन जिन्हें तुमने देखा चिल्लाते हुए रोते हुए उन्हें कुछ नहीं हुआ सिट डाउन बैठ जाओ फॉर दाउ मस्ट नो नो फर्दर क्योंकि तुम अब इसके बारे में और आगे जानोगे फिर वो लोग बैठते हैं मिरेंडा यू हैव ऑफन बिगन टू टेल मी व्हाट आई एम बट स्टॉप्ड एंड लेफ्ट मी टू बूटलेस इन क्वेश्चन क्लोडिंग स्टे नॉट येट ओके मिरेंडा कहती है आपने मुझे बहुत बार बताने की शुरुआत करी आपने मुझे बताने का चाहा हम बार बार शुरू होते हैं आप बताना शुरू कर देते हैं कि मैं कौन हूँ लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं और हमेशा मुझे छोड़ देते हैं बार बार बूटलेस रिक्वेस्ट करने पर यूजलेस रिक्वेस्ट करने पर और आप हमेशा यही कह देते हैं कि स्टे अभी नहीं अभी समय नहीं सभी अभी सही समय नहीं है प्रोस्पेर हो गया था द हार्ट्स नाउ कम द वेरी मिनट विट्स डी ऑफ द नियर ओबे एंड बी अटेंटिव कांस्ट दाउ रिमेंबर ए टाइम बिफोर वी कम ऑन टू दिस सेल आई डोंट नॉट थिंक दाउ कांस्ट फॉर देन दाउ वाज नॉट आउट थ्री ईयर्स ओल्ड प्रोस्पेर कहता है क्या तुम्हें याद है प्रोस्पेर पूछता है कि द हार्ट्स नाउ कम ये यही समय आया यही अच्छा समय है तुम्हें बताने का और यही समय है जब तुम अपने कानों को खोलो और ध्यान से सुनना क्या तुम्हें याद है कि जब तुम इस समय जब तुम यहाँ पहली बार आई थी क्या तुम्हें याद है मुझे लगता है तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि तुम उस समय 3 साल की भी नहीं थी ठीक से तुम रिंडा कहती है हाँ मुझे याद नहीं है फर्स्ट पैर कहता है वाई वॉट वाई एनी अदर हाउस ऑफ पर्सन रिंडा कहती है सर्टेनली सर आई कैन मिरिंडा कहती है हाँ मुझे कुछ याद है थोड़ा सा प्रोस्पेर कहता है क्या तुम्हें कुछ याद है किसी घर के बारे में या किसी आदमी के बारे में ऑफ एनी थिंग डाइवेज टेल मी दैट हेड कैप विद दाई रिमेम्बर्स तुम्हें जिस चीज़ की भी याद है या तुम्हें पता है वो मुझे बताओ मिरिंडा कहती है इट्स फार ऑफ एंड रेदर लाइक अ ड्रीम देन अश्योरेंस देन माई रिमेम्बर्स वॉरंट्स हैड आई नॉट फोर ऑफ मच अटेंडेड मी वो कहती है ये एक मेमोरी की तरह नहीं बल्कि एक सपने की तरह लगता है क्या मेरे पास 4-5 वुमेन पहले नहीं थी जो मेरा ख्याल रखती थी प्रोस्पेर ने कहा हाँ वो तो थी बल्कि उससे ज़्यादा थी लेकिन ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आया ये हाउ इट्स दैट इट लिव्स इन डायमंड ये अभी भी तुम्हारे दिमाग में जीवित कैसे है तुम्हें यह अभी भी याद कैसे है व्हाट्स इज द वेल्स इन द डार्क बैकवर्ड एंड एवेस ऑफ टाइम तुम और क्या याद कर सकती हो तुम्हें और क्या याद है अपने पास्ट के बारे में इफ दाउ रिमेंबर द आउट एयर दाउ कम्स्ट हेयर आउट दाउ कम्स्ट हेयर दाउ मस्ट वो कहता है अगर तुम्हें ये याद है कि तुम कब यहाँ आई तो तुम्हें ये भी याद होगा तुम कैसे यहाँ आई मिरिंडा कहती है व्हाट दैट आई डू नॉट वो कहते हैं लेकिन वो मुझे याद नहीं मैं कैसे यहाँ पे आई प्रोस्पेर कहता है 12 years since मिरिंडा 12 years since दाई फादर वाज द ड्यूक ऑफ मिलान एंड प्रिंस ऑफ पावर प्रोस्पेर कहता है 12 साल पहले 12 years हैं वो मिरिंडा 12 साल पहले तुम्हारे पिता ड्यूक ऑफ मिलान हुआ करते थे और एक पावरफुल राजा होते थे मिरिंडा ने कही सर यू आर नॉट माई फादर तो यहाँ पर प्रोस्पेर बताता है कि 12 साल पहले तुम्हारे पिता ड्यूक ऑफ मिलान थे वो तो वो उसे लगता है कि मेरे पिता तो प्रोस्पेर हुआ तो वो पूछती है कि सर यू आर यू नॉट माई फादर क्या आप मेरे पिता नहीं हैं प्रोस्पेर कहता है दाई मदर वॉज ए पीस ऑफ वर्च यू एंड शी शेड दाउ हैज वॉच माई डॉटर एंड दाई वर्ड फादर वॉज ड्यूक ऑफ मिलान एंड हिज ओनली हेयर एंड प्रिंस नो वर्स स्यून प्रोस्पेर कहता है कि तुम्हारी माँ एक अच्छी वर्चुअस लेडी थी और अच्छी लेडी थी उसने हमें मुझे बताया था कि तुम ही मेरी बेटी हो और तुम्हारे पिता मैं ड्यूक ऑफ मिलान था और तुम ही उसकी एकमात्र वारिस थी एंड प्रिंसेस थी मिरिंडा कहती है ओ हेवेंस व्हाट फाउल प्ले हैड वी दैट वी केम फ्रॉम हैंड्स और ब्लेस्ड वर्ड
वी डिड। मिरांडा कहती है, हे भगवान, हमारे संग क्या हुआ, ऐसे क्या गल हमारे संग ऐसे क्या चीज़ हो गई जो हम यहाँ आए, या फिर ये कोई आशीर्वाद था भगवान का जो हमें यहाँ आना पड़ा। प्रोस्पेरो कहता है, बोथ माई गर्ल फॉर प्लेस एज दाउ सेज वी हैव डांस बट लजली होप दिदर। प्रोस्पेरो कहता है, दोनों चीज़ हुई हमारे संग बेटा, जैसा कि तुमने कहा फाउल प्लेस है, हम किसी षड्यंत्र से यहाँ पे फेंक दिए गए, ला के हमें यहाँ पे छोड़ दिया गया, और हमारी यहाँ पे मदद भी हुई थी, ब्लेस्ड हुए थे हम यहाँ पे। ब्रेंडा, ओ माय हार्ट ब्लीड्स टू थिंक ऑफ द टीन दैट आई हैव टर्न यू टू विच इज फ्रॉम माय पेरेंट्स प्लीज योर फादर। वो कहता है, मिरांडा कहती है, मेरे दिल में दर्द उठ रहा है ये सोचकर कि आपको वो सोचकर कितना दुख हो रहा होगा जो कि मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, जो कि मैं रिमेंबर नहीं कर पा रही हूँ, आप आगे बताइए। प्रोस्पेरो कहता है, माय ब्रदर एंड दाई अंकल कॉल्ड एंटोनियो, मेरा भाई और तुम्हारा अंकल एंटोनियो, आई प्रे दी मार्क मी दैट ए ब्रदर शुड बी सो डिसलॉयल। कहता है, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पर ध्यान देना कि एक भाई इतना डिसलॉयल कैसे हो सकता है। बी सो परफिडियस ही होम नेक्स्ट दाई सेल्फ ऑफ ऑल द ब्रड आई लव्ड एंड टू हिम पुट द मैनेज ऑफ माई स्टेट एंड ऑल द सिग्नेटरीज इट वॉज द फर्स्ट एंड फर्स्ट इन द पेंडिंग थिंग्स आर ऑपरेटेड इन डिग्री एंड फॉर द लेबर आर्ट्स विदाउट द पैरेलल। वो कहता है, वो एंटोनियो ही था जिसे मैं तुम्हारे बाद सबसे ज़्यादा पूरे ब्रड में प्यार करता था, पूरे दुनिया में तुम्हारे बाद ही मैं सबसे ज़्यादा उसे प्यार करता था, मैं उस पर इतना विश्वास करता था कि मैंने अपने स्टेट की सारे कंट्रोल उसे दे दिया था, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल उसे दे दिया था, और क्योंकि उस समय मेरा राज बहुत ही डिग्निटी का था, मुझे सब रिस्पेक्ट करते थे और बहुत ही अच्छा राज था उस समय, और मुझे उस समय पढ़ने का शौक था, मुझे नॉलेज का शौक था, ग्रामर मैजिक वगैरह मुझे पढ़ने का शौक था अच्छे, और मुझे अपनी नॉलेज बढ़ानी थी, तो दोज बीइंग ऑल माय स्टडी द गवर्नमेंट आई कास्ट अपॉन माय ब्रदर एंड माय स्टेट गर्ल स्ट्रेंजर बीइंग ट्रांसपोर्टेड एंड रैप्ड इन सीक्रेट स्टडी दाई फॉल्स अंकल दस दाउ अटेंड्स मी। वो कहता है, तो मुझे पढ़ने का शौक था, मैंने अपना गवर्नमेंट का कंट्रोल अपने भाई एंटोनियो को दे दिया और मैं खुद सीक्रेट स्टडीज में जुट गया और अपने राज्य के लिए किसी स्ट्रेंजर की तरह हो गया। और तुम्हारे अंकल ने क्या, तुम मुझे सुन रही हो? मिरांडा कहती है, सर मोस्ट हेटफुली। मिरांडा कहती है, हाँ मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। प्रोस्पेरो कहता है, बीइंग वंस परफेक्टेड हाउ टू ग्रांट स्वीट्स हाउ टू डेनाइज देम हु टू एडवांस एंड हु टू ट्रस्ट फॉर अवर ट्रैवलिंग न्यू क्रिएटेड द क्रिएचर दैट वन माइंड आई से और चेंज देम और एल्स न्यू फॉर्म देम। कहता है कि एंटोनियो ने जब एक बार उसे समझ में आ गया कि कैसे किसी को कोई चीज़ दें, ऑर्डर दें, कैसे उन्हें किसी के रिक्वेस्ट को माने, किसी कैसे उन्हें डिनाई कर दें, किसको प्रमोट करें, किसको उसी नीचे ही रहने दें, और कैसे मेरे आदमियों को उसने अपने कंट्रोल में ले लिया था और उन्हें चेंज भी करता गया, तो हैविंग बोथ द की ऑफ ऑफिस एंड ऑफिसर सेट ऑल द हार्ट्स इन द स्टेट टू व्हाट टू प्लेस हिज ईयर दैट नाउ ही वाज द आईवी विच हैड हिड माय प्रिंसली ट्रंक एंड सक्ड माय वेंट आउट ऑफ द अटेंडेंस नॉट। वो कहता है कि उसे सब सारा कंट्रोल उसके पास होता गया धीरे धीरे, और ऑफिस का भी, ऑफिसर्स का भी, और सारा कंट्रोल उसके हाथ में होता गया, तो उसने सबको अपने धुन पर नचाना शुरू कर दिया, जो सॉन्ग उसे अच्छा लगता था वैसे उसे अपने धुन सबको अपने धुन पर नचाना शुरू कर दिया, और किसी आईवी की तरह, आईवी एक वाइन होती है जो कि पेड़ की ट्रंक पे चिपक जाती है और सारा सैप खींच लेती है, तो उसी प्रकार वो कहती है कि और पेड़ को सुखा देते हैं, तो वो कहता है कि वो मेरा भाई एंटोनियो किसी आईवी की तरह मेरी प्रिंसली ट्रंक पर चिपक गया और मेरे से सारा पावर खींचता गया। क्या तुम सुन रही हो मुझे? मैंने कहती है, ओ गुड सर आई डू, हाँ सर मैं आपको सुन रही। प्रोस्पेरो कहता है, आई प्रे दी मार्क मी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरी बात पर ध्यान दो, आई जस्ट नेगलेक्टिंग वर्ड एंडली और डेडिकेटेड टू क्लोजनेस एंड द बैटरिंग ऑफ माई माइंड। मैं अपने राज्य को नेगलेक्ट करता गया और अपने सीक्रेट स्टडीज़ में जुटता गया और अपने दिमाग को अच्छा करने की कोशिश करता रहा, विद डैट विच बट बाय बींग सो रिटायर्ड ओवर फाइव डॉल पॉपुलर ट्रेट इन माई फॉल्स ब्रदर, और जिससे मेरे भाई में
फॉल्सनेस आ गई, उसमें डिसलॉयल्टी आ गई, अवेकडेन एविल नेचर, और उसमें एक एविल नेचर हो गया, एंड माई ट्रस्ट लाइक ए गुड पेरेंट इन बिगेट ऑफ हिम। और जितना मैं उस पर विश्वास करता गया उतना ही वो मेरे से विश्वासघात करता गया। ए फॉल्स विदिन हिज कंट्री एज ग्रेट एज माई ट्रस्ट वाज व्हिच हैड इंडीड नो लिमिट टू ए कॉन्फिडेंट सेंस बाउंड ही बीइंग द स्लॉटेड नॉट ओनली विद माई रेवेन्यू गिल्डेड बट बीइंग द पावर माइट एल्स एग्जैक्ट लाइक वन हु हैविंग इन टू द ट्रूथ बाय टेलिंग ऑफ इट मेड सच ए सीनर ऑफ हिज मेमोरी टू कैट इज ओन लाइफ ही डिड बिलीव ही हैज इंडीड द ड्यूक ऑफ द सब्स्टिट्यूशन एंड एग्जीक्यूटिंग आउटवर्ड द फेस ऑफ रॉयल्टी। वो कहता है कि उसे उसने मेरे इनकम से भी और मेरी पावर से भी वो ज़्यादा स्ट्रांग होता गया और बहुत ही स्ट्रांग होता गया, और वो खुद ऐसे अपने आप को राजा मानने लगा जैसे कि कोई लायर लाई झूठ बोलता है और अपने ही झूठ को सच मानने लगता है, ऐसे ही वो अपने आप को भी राजा मानने लगा। एंड एग्जीक्यूटिंग आउटवर्ड फेस ऑफ रॉयल्टी विद ऑल प्रोग्रेटिव हैंड्स दियर, और इस तरीके से वो अपने आप को राजा मानता गया और उसका एम्बिशन बढ़ता गया। क्या तुम मुझे सुन रही हो? मैंने कहता है योर टेल सर वुड क्योर डीफनेस। मिरिंडा कहती है हाँ सर मैं आपको सुन रही हूँ, आपकी कहानी तो बहरे को भी क्योर कर देगी, बहरे का भी इलाज कर देगी। प्रोफेसर टू हैव नो स्क्रीन बिटवीन दिस पार्ट ही प्लेड एंड हिम ही प्लेड इट फॉर ही नीड्स इट बी एब्सोल्यूट मिलान। वो कहता है कि एंटोनियो अपने पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए उसके पास यही रास्ता था कि वो खुद ड्यूक मिल जाए मिलान का, और उसे मुझे अपने रास्ते से हटाना था। मी पुअर मैन माई लाइब्रेरी वाज ड्यूकडम लार्ज इनफ, और उसके लिए अब मैं मेरा लाइब्रेरी ही मेरे लिए ड्यूकडम है। ऑफ टेम्परल रॉयल्टी ही थिंक मी नाउ इनकेपेबल, और वो मुझे अब इनकेपेबल समझता है और इतना सुखा समझता है। सो ड्राई सी वाज फर्स्ट वे, मुझे बहुत पावरलेस समझता है। विद द किंग ऑफ नेपल्स टू गिव हिम एनुअल ट्रिब्यूट टू हिम होमेज सब्जेक्ट हिज कॉर्नोट to his crown and bend the dukedom yet on board allows poor Milan to go most ignoble stupid। और वो राजा नेपल्स के राजा के साथ मिलकर वो षड्यंत्र करता है कि वो राजा बन जाए, उसकी मदद करेगा किंग ऑफ नेपल्स, और इसके लिए वो तैयार है उन्हें एनुअल ट्रिब्यूट देने के लिए, उन्हें पैसे देने के लिए। और मिलान को जो अभी तक किसी देश के सामने नहीं झुकाया उन्हें नेपल्स के सामने झुकाने के लिए। मिरांडा कहती है ओ द हेवंस हे भगवान। प्रोफेसर कहता है मार्क दिस कंडीशन एंड द इवेंट देन टेल मी इफ दिस माइट बी अ ब्रदर। प्रोफेसर कहता है इस सिचुएशन पे ध्यान दो, देखो इसके उसने मेरे संग क्या करा और फिर बताओ क्या कोई ऐसा भाई हो सकता है। मिरांडा कहती है आई शुड सीन टू थिंक बट नोबली ऑफ माई ग्रैंड फादर गुड बॉम्स हैव बॉर्न बैड सन्स। वो कहती है कि अब मुझे ये सोचकर दुख हो रहा है कि मैं अपने ग्रैंड मदर के बारे में बुरा सोच रही हूँ कि कभी कभी अच्छी माँ बुरे बच्चों को जन्म दे देती हैं। उसके बाद प्रोफेसर कहता है नाउ द कंडीशन, अब उस कंडीशन के बारे में सुनो, उस शर्त के बारे में सुनो जो कि उसने किंग ऑफ नेपाल से लगाई थी मिलान से भगाने के लिए। दिस किंग ऑफ नेपाल बींग एन एनिमी टू मी इंटरमीडिएट हार्केंस माई ब्रदर सूट विच वॉज दैट ही इन लिव ऑफ द परमेज एंड आई नो not how much tribute should presently expirate me and mine out of dukedom and confer fair Milan with all honors of my brother bearful। वो कहता है इस किंग ऑफ नेपल्स ने जो कि मेरा दुश्मन है इसने अब ये सारे सारे शूट्स को सुनता है, सारी सारी कार्रवाई को सुनता है मेरे ब्रदर की, और जो कि उसने उसे दिए हैं होमेज के रूप में, उसे ट्रिब्यूट के रूप में दिए, और मुझे नहीं पता कि कितना ट्रिब्यूट मुझे यहाँ से बचा सकता है, निकाल सकता है एंड ड्यूकडम से, और उसे ड्यूकडम से निकाल सकता है कन्फेयर फेयर मिलान, और इतने अच्छे मिलान को कैसे बचा सकता हूँ। ऑन माय ब्रदर वेरोन ए ट्रेचरस आर्मी लेवेड, और एक रात उसने नेपल्स के राजा के संग मिलकर एक झूठी आर्मी नकली आर्मी लगा दी, और एक रात को फिटेड टू द पर्पस डिड एंटोनियो ओपन द गेट्स ऑफ मिलान। एंटोनियो ने मिलान के गेट्स को गेट खोल दिया और वहाँ से भगा दिया मुझे और तुम्हें रोता हुआ इस आइलैंड पर छोड़ दिया। मिरांडा कहती है अलैक फॉर पिटी आई नॉट रिमेंबरिंग हाउ आई क्राउड आउट देन विल क्राई इट ओवर अगेन इट इज़ अ हिंट दैट रिंग्स माइंड आईज़ टू इट। वो कहता है मिरांडा कहती है मुझे ये सोच के दुख हो रहा है कि उस समय मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि उस समय कैसे रोई होगी,
पुष्पा कहता है हियर अ लिटिल फर्दर एंड देन आई विल ब्रिंग दी टू द प्रेजेंट बिजनेस व्हिच नाउ द पॉन्स विदाउट व्हिच द वर्ल्ड व्हिच दिस स्टोरी वर मस्ट इंपर्टिनेंट। कहते हैं पुष्पा कहता है कि थोड़ा और सुनो फिर तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे हम कैसे आए और ये मैंने कहानी तुम्हें क्यों बताई, उसके बिना ये कहानी बहुत ही इरेलीवेंट होगी। मरिंडा कहती है वेयरफॉर डिड दे नॉट दैट हार्ड डिस्ट्रॉय अस। मरिंडा पूछती है क्या उस समय उनने हमें मारा क्यों नहीं। प्रोफेसर वो कहता है वेल डिमांडेड वेंस माई टेल प्रोवोक्स दैट क्वेश्चन डियर आई डोंट नो सो डियर लव माई पीपल पुट मी नॉट सेट ए मार्क्स ऑफ ब्लडी ऑन द बिजनेस बट विद कलर्स फेयर पेंटेड विद देयर फाउल एंड्स। वो कहता है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तुमने अच्छा क्वेश्चन करा क्योंकि मेरी स्टोरी इस क्वेश्चन को डिमांड करती है, ये क्वेश्चन मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डियर सुनो उनने मुझे उन लोगों ने हमें मारने का डेयर भी कोशिश भी नहीं करी क्योंकि मेरे राज्य के लोग मेरे ड्यूकडम के लोग मुझसे इतना प्यार करते थे कि अगर उन्हें भनक भी लग जाती उन्हें पता भी चल जाता कि हम लोग उन लोगों ने हमें मारा है तो वो उन्हें छोड़ते नहीं। इन फ्यू दे हरीड अस ऑन अ वार वॉर अस हम लीग्स टू सी वेयर द प्रिपेयर्ड रॉटन कार्कास ऑफ बट नॉट नॉट टेकल नॉट सो मस्ट द वरी डेड सेंचुरी वी हैव क्यूटेड। वो कहता है तू बस इतना समझ लो कि उन्होंने हमें एक शिप पे रोटन कारकास एक बेकार सी शिप में इस समुद्र की तरफ भगा दिया और जो कि बहुत ही बेकार शिप थी उसमें कोई रस्सी नहीं थी कोई सेल नहीं थी न बचाने का कोई साधन था उसमें और यहाँ तक कि चूहों ने भी उसे छोड़ दिया था। दे आर दे हाउ स्टस टू क्राई ऑफ टू द सी दैट रोड टू अस टू साइड द प्रिंस टू हाउस पिटी साइडिंग बैक अगेन डिड अस बट लविंग रॉन्ग। वो कहता है उनने हमें यहाँ छोड़ दिया रोने के लिए जो कि क्राइसिस समुद्र की तरफ रोने के लिए जो कि हमारी तरफ रो रहा था रोर कर रहा था और बेट की तरफ शाही करने के लिए जो कि खुद हमसे दया के कारण शाही कर रहा था डिडस बट लविंग रॉन्ग। वो ये कहता है फिर ब्रेंडा पूछती है आई लाइक वॉट ट्रेवल आई वॉज देन टू यू। वो कहती है उस समय मैं आपके लिए क्या कितनी बड़ी मुसीबत होंगी है ना। वो कहते हैं ओ ए चेरविन दाउ हैज दैट प्रिजर्व मी दाउ डिड स्माइल इन्फ्यूज्ड विद द फोर्टिट्यूड फ्रॉम हेवन व्हेन आई हैव डग द सी विद ड्रॉप्स फुल सॉल्ट एंड देन माय बर्डन ग्रोन सच रेज्ड इन मी एंड अंडरगोइंग सो मच टू बियर योर एजेंट दैट व्हाट शुड एंश्योर। कहता है नहीं नहीं तुमने तो मुझे बचाया था उस समय जब तुमने मुझे हिम्मत दी तुम्हारी स्माइल ने मुझे स्ट्रेंथ दी जब मैं अपने सॉल्टी टीयर से इस सॉल्टी समुद्र को भर दे रहा था तो समय तुम्हारी स्माइल मुझे ताकत देती थी और मुझे आने वाली किसी भी मुसीबत के लिए तैयार करती थी। मरिंडा हाउ कैन बी अश्योर। मरिंडा पूछती है तो हम कैसे यहाँ से बचे हम समुद्र के किनारे कैसे आए। फर्स्ट कहता है बाय प्रोविडेंस डिवाइन सम फूड वी हैड एंड सम फ्रेश वाटर डेट इन नेपोलिटन गोंजालो आउट ऑफ हिज चैरिटी हु बीइंग देन अपॉइंटेड मास्टर हिम डिजर्ट डिड गिव अस विद रिच गारमेंट्स लिनन स्ट्रफ्स एंड नेसेसिटीज विच सिंस हैव स्टीडेड मच। वो कहता है भगवान की दया से उस समय हमें खाना मिला हमें अच्छा फ्रेश पीने लायक पानी मिला क्योंकि उस समय जो एक दयालु वहाँ का नेपल्स का दयालु नोबल आदमी था उसने हमें अपनी दया की वजह से कुछ अच्छा सामान दिया गारमेंट दिया लिनन स्टाफ और हर चीज़ दी जो उस समय ज़रूरी थी और उस समय उसी को इस काम के लिए चुना गया था तो उसने हमें ये सब दिया। सो ऑफ इज जेंटल नोइंग आई लव माई बुक ही वांटेड मी फ्रॉम माई ओन लाइब्रेरी विद वॉल्यूम दैट आई प्राइज अबव माई ड्यूकडम। और यहाँ तक कि उसे पता था कि मुझे बुक पढ़ने का शौक था मैं अपने बुक से प्यार करता था तो उसने मुझे बुक भी प्रोवाइड कराई और उसने सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई उसी ने हमारी बहुत मदद करी। मरिंडा वुड आई माइट बट एवर सी दैट मैन। मरिंडा कहती है काश मैं उस आदमी को कभी दोबारा देख पाती। प्रोस्पेरो बताता है राज नाउ आई राज स्टिल सिट स्टिल एंड हियर द लास्ट ऑफ आवर सी सोरो देयर हियर इन आइसलैंड वी अराइव्ड एंड हियर आई हैव द स्कूल मास्टर मेड दी मोर परफेक्ट देन अदर प्रिंसेस कैन दैट हैव मोर टाइम फॉर विनर आर देन ट्यूटर्स नॉट सो केयरफुल। प्रोस्पेरो थोड़ा उठता है खड़ा होता है अपनी जगह पे कहता है अब मैं उठ रहा हूँ और अब सुनो तुम बैठ ही रहो और अब हमारे आखिरी समय सुनो हमारे दुख का आखिरी पल सुनो हम इस आइसलैंड पर उतरे हम यहाँ पे आए और यहाँ पे मैं तुम्हारे स्कूल टीचर की तरह मैंने तुम्हें पढ़ाया तुम्हें एजुकेशन दी और दूसरी प्रिंसों से भी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन दी जिनके पास केयरफुल ट्यूटर नहीं होते और जो कि खाली उनका टाइम बर्बाद करते हैं। मरिंडा हेवन्स थैंक्स यू फॉर इट एंड नाउ आई प्रे यू सर फॉर स्टिल टू बीटिंग इन माई एंड योर रीजन फॉर रेजिंग दिस स्टॉर्म। मरिंडा कहती है थैंक यू
भगवान। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी भी आपने नहीं बताया कि ये टेम्पेस्ट क्यों रेज कर रहा है, प्लीज़ बताइए। पुष्पेरा कहता है नो दस फोर्थ वाई एक्सीडेंट मोस्ट स्ट्रेंज बाउंटीफुल फॉर्चुनेट नाउ माई डियर लेडी हैथ माई एनिमीज बर्ड टू दिस। वो कहता है तो तुम हम आगे जा रहे होगी बाई एक्सीडेंट मोस्ट स्ट्रेंज, बहुत ही स्ट्रेंज एक्सीडेंट से और बाउंटीफुल फॉर्चुनेट से किसी पहिए की तरह, किस भविष्य के पहिए की तरह जो कि मेरे हाथ में है इस समय और उस पर डिपेंड कर रहा है शिपरेक पे, उस शिपरेक पे डिपेंड कर रहा है जो कि जिससे कि मेरे आगे की लाइफ डिसाइड होगी। नो मोर क्वेश्चन, चुपचाप अब तुम्हें लग रहा है नींद आ रही है, हियर सीज मोर क्वेश्चन, अब कोई क्वेश्चन मत करो, द वाट इंक्लाइंड टू स्लीप, तुम्हें नींद आ रही है और ये डलनेस है तुम्हारे चेहरे पर, जाओ सो जाओ बिकॉज, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अब नहीं कंट्रोल कर सकती। मिरांडा स्लीप्स, मिरांडा स्लीप सोने लगती है, फिर वो अपने सर्वेंट को बुलाता है, स्पिरिट्स को पुट अपना क्लोक लगा लेता है, मैजिकल गारमेंट लगा पहन लेता है। आई एम रेडी नाउ, मैं अब तैयार हूँ, अप्रोच माई एरियल, कम एरियल, आओ आओ एरियल, एरियल को बुलाता है, एंटर एरियल, फिर एरियल आती है, एरियल ऑल हेल ग्रेट मास्टर गेव सर, हेल आई कम टू आंसर दाई बेस्ट प्लीजर, बी इट टू फ्लाई टू स्विम टू डाइव इनटू द फायर टू राइड टू ऑन द क्लाउड्स टू द स्ट्रॉन्ग बेनिंग टास्क एरियल एंड ऑल हिज क्वालिटी। एरियल कहती है कि मैं आ गई, आपका अभिनंदन मेरे मास्टर, आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसको पूरा करूँगी, स्विम करूँगा। यहाँ पर उसका जेंडर सीरियसली नहीं पता है, या गर्ल है या बॉय है, फीमेल है मेल है ये नहीं पता, लेकिन मेल ही ज़्यादातर दिखाया गया है पूरे सीन में। तो कहते हैं मैं स्विम करूँगा, मैं डाइव करूँगा फायर में और बादलों को राइड करूँगा, बादलों पर चढ़ के या ट्रैवल करूँगा टू दाई स्ट्रॉन्ग विदिंग टास्क, और आपके जो भी काम होगा उसे पूरा करूँगा। प्रोस्पर हैज द स्पिरिट परफॉर्म टू द पॉइंट टेम्पेस्ट दैट आई वेट दी, और प्रोस्पर पूछता है स्पिरिट क्या तुमने वो काम कर दिया, टेम्पेस्ट को रेज कर वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ तक मैंने तुम्हें कहा था। एरियल कहता है टू एवरी आर्टिकल आई वॉर्डेड द किंग शिप, नाउ इन द वीक नाउ इन द वेज द डे इन एवरी केबिन आई फ्लेम द वेजमेंट सम टाइम आई हैव डिवाइडेड एंड वन इन मेनी प्लेसेस ऑन द टॉप मोस्ट द यार्ड्स एंड बोथ स्पिरिट वुड आई फ्लेम डिस्टिंक्टली। वो कहता है मैंने एक एक चीज़ को पूरा करा है जो आपने मुझसे कहा था, मैंने किंग के शिप को अलग अलग कोने में बांट दिया, लोगों को अलग अलग कोने में बांट दिया और एक एक केबिन में अमेजमेंट फैला दी, सरप्राइज फैला दिया, और सब कभी मैं आधे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता, कभी मैं टॉप मास्ट के ऊपर फ्लेम बन के चमकता तो कभी किसी कोने में, और मैंने हर जगह चमक चमक के सबको चौंका दिया, और देन मीट एंड जॉइन, और मैं फिर से मर जाता और जुड़ जाता, इस तरीके से मैंने अलग अलग तरीक़ों से सबको चौंका दिया। एंड साइट ओवर टर्निंग वर नॉट द फायर एंड क्रैक्स ऑफ सल्फ्यूरस रोलिंग द मोस्ट माइटी नेपच्यून सीम टू विसीज एंड मेक हिज बोल्ड वेव्स ट्रेम्बल। मैंने इतनी तरीके से मैंने सबको चौंकाया और नेपच्यून मेरी चमक को देख के नेपच्यून भी डर गया होगा, ये हिज डेड रेंट शेक, और उसकी एक्सिस भी शेक करने लगी होगी। प्लस फिर कहता है माई ब्रेव स्पिरिट हु वाज सो फर्म सो कॉन्स्टेंट दैट दिस कॉल वुड नॉट इन्फेक्ट हिज रीजन। प्लस फिर वो पूछता है कि मेरी ब्रेव स्पिरिट तुम बताओ कौन ऐसा कौन सा आदमी था जो कि डर नहीं रहा था, उसे नहीं लग रहा था कि इस डिस्टर्बेंस से किसी को कोई रीजन हो, कोई इन्फेक्शन होगा, कोई किसी नहीं डरेगा, कौन नहीं डर रहा था उस पर, मतलब वो पूछता है कि कौन नहीं डर रहा था शिप में। एजर कहता है नॉट ए सॉल बट फेल्ट फीवर ऑफ मैड एंड प्लेड सम ट्रिक्स ऑफ डेस्पिरेशन बट ऑल द मरीनर्स फंक्ड इनटू फॉर्मिंग ब्रायन एंड क्विट द वेसल। एरियल बताता है एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो डर नहीं रहा था, सब डर से पागल हो गए थे और बचने की आशा लिए हुए थे, और मैरिनर्स को छोड़ के सब उस वेसल से शिप से कूद गए समुद्र में, और मैंने सबसे पहले कूदते देखा किंग्स सन, राजा के सन फर्डिनांड को, उसके हवा में बाल खड़े थे और बाल नहीं हुआ तो कीचड़ जैसे लग रहे थे, और वो सबसे पहले कूदा और चिल्लाया कि हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द रेवल्स आर हियर, जो हेल है वो खाली है और सारे है डेवल्स यहाँ आ गए हैं। पोस्पेरो कहता है व्हाई डस माय स्पिरिट बट वाज नॉट दिस नाइस वर्ल्ड, वो पूछता है कि क्या मेरी और भी दूसरी स्पिरिट तुम्हारे संग नहीं थी। एरियल कहता है हाँ वो बहुत ही पास थी मेरे, क्लोज बाय माय मास्टर। पोस्पेरो बट आर दे एरियल सेफ, पोस्पेरो पूछता है लेकिन एरियल क्या वो लोग सेफ हैं।
वो सब लोग सेव हैं जो डूब नदी में कूद गए थे। फिर एरियल बताता है नॉट ए हेयर पेरिश्ड ऑन देयर सस्टेनिंग गारमेंट्स नॉट ए ब्लेमिश बट फ्रेशर देन बिफोर एंड एज द वेस्ट मी इन ट्रूप्स आई हैव डिस्पर्स्ड देम फ्रॉम अबाउट द इसलाइकिंग सन आई हैव आई लैंडेड माई सेल्फ होम आई लेफ्ट कूलिंग ऑफ द एयर विद साइज एंड विद एन ओल्ड एंगल ऑफ एंड शेडिंग विद हिज आर्म्स इन हिज सैड नॉट। वो कहता है कि एक एक आदमी का भी एक बाल काफ़ी नुकसान नहीं हुआ, एक बाल भी बाका नहीं हुआ किसी भी आदमी का, और उनके कपड़े अभी भी जब वो टेम्पेस्ट रेज हुआ था उससे भी ज़्यादा फ्रेशर लग रहे हैं। और मैंने जैसा कि आपने मुझे आज्ञा दी थी उस हिसाब से मैंने उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है और किसी को आइलैंड में, किसी को किसी आइलैंड में कर दिया है। और मैंने किंग के सन को फर्डिनांड को वहाँ भेज दिया है जहाँ एक बार आपने मुझे भेजा था किसी अपने आर्म्स को नोट करने के लिए। वो अपने आर्म को नोट करता है और दिखाता है कि वो ऐसे करके उस जगह पे मैंने भेज दिया है और वो अपने आर्म को फोल्ड करके बैठा हुआ है एक जगह। पोस्टर कहता है ऑफ द किंग्स ऑफ द मैरिनर्स से हाउ दैट हाउ डिस्पोज्ड एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द फ्लीट। पूछता है कि तुमने किंग के शिप के संग क्या किया और मैरिनर्स कहाँ गए, तुमने उन्हें के संग क्या करा। तो ये बहुत बड़ा सीन हो रहा है, बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, तो पार्ट टू में देखते हैं इसका।